एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली लंबे इंतजार के बाद जो है आपको मौका मिल चुका है कि आप अपने साथ जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है उसका आप बदला ले सकते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं फाइनली बोर्ड ने यहां पे 10 और 12 दोनों ही क्लासेस के लिए पूरा कंप्लीट आप लोग के लिए यहाँ पे कंपार्टमेंट का सर्कुलर को रिलीज कर दिया है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कही गई है जो आप लोग को फॉर्म भरते समय जरूरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान रखना होगा। तो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप लोग नीचे फटाफट तब तक कमेंट करके बताइए जिन बच्चों ने यहाँ पे रीचेकिंग के लिए रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था उन बच्चों के रिजल्ट में यहां पर क्या अपडेट हुआ है, आपके मार्क्स जो है कितने ज्यादा चेंज हुए हैं या फिर आपके मार्क्स में जो है क्या यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि उसको लेकर भी यहां पे बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो है हिंदुस्तान ने रिलीज करने वाली है। और वो रिपोर्ट जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि हां मैं सही था। क्योंकि वो रिपोर्ट जो है यहाँ पे जैसे ही आएगा काफ़ी सारे यहाँ पे हंगामा मचेगा। अब वो जो है वेट करिए, आपको जो है इसी चैनल पे वो रिपोर्ट सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली है। हम यहाँ पे वीडियो में लौटते हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं फॉर्म को लेकर कौन भर सकता है। तो यहाँ पर वो सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनके रिजल्ट में आरटी लगा हुआ है, जिनका ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट लगा हुआ है, या फिर वो बच्चे जो पास हैं लेकिन अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि उनके मार्क्स जो है जहाँ उनके जो है 70-80 लग रहे थे कि उनको आ जाएंगे इस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में उनके जो है 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर कुछ इस तरीके से उनको मार्क्स दे दिया गया। तो यानी कि उनके साथ जो है टोटली इनजस्टिस हुआ है उनको कम मार्क्स देकर। तो ये सभी बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। एक एक करके समझिए। सबसे पहले यहाँ पे समझिए क्लास 10 को लेकर, फिर हम क्लास 12 को लेकर बात करेंगे और ओवरऑल जो है लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। तो 10 के स्टूडेंट्स कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो 10 के वो सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और जिनकी आरटी लगी हुई है वो बच्चे यहाँ पे एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 10 को लेकर बात करें तो 10 को लेकर कहा गया है कि आप जो है यहाँ पे दो सब्जेक्ट के लिए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपार्टमेंट जो है यहाँ पे दो सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो आप जो है आपके पास ये मौका है कि आप दोनों के दोनों सब्जेक्ट का जो है एग्जाम देकर अपने कंपार्टमेंट को हटा सकते हैं। तो 10th के स्टूडेंट्स दो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। इंप्रूवमेंट की बात करें यानी कि आपके मार्क्स कम हैं तो आप मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये तो रहा 10 को लेकर। 12 के लिए बात करें तो 12 के लिए यहाँ पे कहा गया है चाहे आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दें यानी कि आप अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए एग्जाम दें, आप जो एग्जाम दे सकते हैं केवल एक सब्जेक्ट का ही दे सकते हैं। तो सर्कुलर भी आप लोग साथ के साथ यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा 12 के स्टूडेंट्स केवल एक सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आपकी दो सब्जेक्ट में भी यहाँ पे आरटी लगी हुई थी तो आप जो है दोनों का यहाँ पे आरटी नहीं हटवा सकते हैं। आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा, वो दो में से एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी का एग्जाम आप दे पाएंगे। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम आप नहीं दे सकते, केवल एक ही का दे सकते हैं। तो ये चीज़ें पहली चीज़ें इनिशियल चीज़ें यहाँ पे कही गई है। दूसरी चीज़ें जो है यहाँ पे सर्कुलर में क्लियरली कहा गया है कि इस बार जो आप लोग का यहाँ पे एग्जाम जो होने वाला है सेम मैंने आपको पहले भी बताया था 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 12 को लेकर यहाँ पे शॉकिंग चीज़ें हैं, आप लोग देखेंगे 12 को लेकर कहा गया है कि 15 को ही एग्जाम स्टार्ट होगा और 15 को ही एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल है, आप लोग यहाँ पे पढ़ भी पाएंगे, एक दिन में ही क्लास 12 का एग्जाम खत्म हो जाएगा। यानी कि 15 जुलाई को आखिरी एग्जाम होगा और पहला एग्जाम भी आपका होगा। 15 के बाद जो है कोई अदर डेट्स नहीं होंगे। यानी कि जितने भी बच्चे हैं ना, चाहे आपकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, अकाउंट हो, इको हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री, जैसे जितने भी आपके तमाम सब्जेक्ट हैं ना, सभी सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन करवा लिया जाएगा। यानी 15 जुलाई आपका डेटशीट भी आ गया, आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी डेटशीट देने की जरूरत ही नहीं है, आपको डेटशीट ऑलरेडी पता चल चुका है। तो डेट्स आप लोग का जो है ऑलरेडी यहाँ पे रिवील कर दिया गया है। 10 को लेकर कहा गया है कि 10 का डेटशीट यहाँ पे आएगा, क्योंकि 10 की डेटशीट इसलिए आ रही है क्योंकि 10 के स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे दो सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो दो सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो उनका एक दिन जो है दो सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हो सकता, उनको गैप देना पड़ेगा। तो वो गैप के लिए जो है आप लोग वेट करिए, कुछ यहाँ पे 3 से 4 दिन में आपको जो है उसको लेकर भी कंप्लीट एक डेटशीट आपको दे दी जाएगी। अब यहाँ पे तीसरी इंफॉर्मेशन पे बात करें तो सर्कुलर में यहाँ पे आखिर में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ये चीजों को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी को लेकर जो है आपके साथ यहाँ पे स्कूल वाले जो है गेम खेल सकते हैं। ये हर साल होता है और इस साल भी आपका होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा स्कूल वाले आपके साथ कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट का फीस जो है यहाँ पे बोर्ड क्लियरली कह रही है, चाहे 10 हो या 12 हो, अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो फीस देनी होगी, कंपार्टमेंट की फीस जो देनी होगी, वो आपको देना होगा 300 रुपीज, ओनली 300 रुपीज। तो ये ध्यान रखिएगा,
300 रुपये ही आपका फीस है। तो अगर कोई आपसे 500 या 600 या 700 मांगता है तो आप जो है इस बात को लेकर थोड़ा अवेयर हो जाइए। और अगर कोई मांग रहा है स्कूल वाला, तो उन्हें CBSE बोर्ड का सर्कुलर शेयर करिए, उनको जो है सर्कुलर दिखाइए। और कहा गया है, आप लोग खुद भी देख भी पाएंगे, सर्कुलर में 300 रुपये, यानी कि अगर आप इंडिया में हैं और आप में सभी बच्चे इंडिया में ही हैं, कोई इंडिया से बाहर का नहीं है, तो आउटसाइड वाले इंडिया जो, यानी इंडिया से आउटसाइड वाले बच्चों के लिए फीस ज़्यादा है, लेकिन जितने भी इंडिया वाले बच्चे हैं उनके लिए केवल 300 है। लेट फीस जो है यहाँ पे बताई गई है, लेट फीस आपका 2000 रुपये है, लेकिन वो लेट फीस आप पे तभी लगेगा 2000 रुपये एक्स्ट्रा जब आप लेट करेंगे। यहाँ पे डेट क्या दिया गया है, डेट दिया गया है आज से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 15 जून तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। तो टोटल पूरा आपके पास जो है 15 दिन का समय है, इन 15 दिन में आपको अप्लाई करना होगा। जो बच्चे 15 तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई रहेगा, ये 15 दिन काफ़ी होते हैं आपकी अप्लाई करने के लिए, आप आज ना करें कल कर दीजिएगा, परसों कर दीजिएगा, तो ये आपके पास पूरा टाइम है, पूरा टाइम है, आप कभी भी जाके अप्लाई सकते हैं। तो 15 तक अप्लाई कर देना है सभी बच्चों को, नहीं करेंगे तो 2000 रुपये फाइन लगेगा। तो ये चीजें यहां पे क्लियर है। अब जो बच्चे 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे वो ऑलरेडी कैलकुलेशन कर बैठे होंगे, 300 रुपये एक सब्जेक्ट का, तो 2 सब्जेक्ट का 600 रुपये, तो 600 रुपये से ज्यादा किसी का नहीं लगने वाला, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 12 का तो 600 लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, सर्कुलर में भी क्लियर कह दी गई है, आपके लिए कोई 2 सब्जेक्ट का खेल है ही नहीं, एक सब्जेक्ट 300 रुपये मतलब 300 रुपये। ये तो रही यहाँ पे डेट्स के बारे में, आपकी डेट्स यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म भरी जानी है। अब ये भी जानते हैं फॉर्म आपको भरना कैसे है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो फॉर्म भरने को लेकर आपको बता दूं, जितने भी बच्चे जो फॉर्म भरेंगे, चाहे वो 10 हो या फिर 12 हो, सभी की फॉर्म भरी जाएगी उनके स्कूल से, यानी कि आप जो भी क्लासेस में हो, चाहे 10 में हो या फिर 12 में हो, आपकी जो भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो, आपका जो फॉर्म भरा जाएगा आपके स्कूल भरेंगे। एक्सेस केवल स्कूल को मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई आपको कॉल करके बोलता है कि मैं CBSE बोर्ड का यहाँ पे ऑफिशियल हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होती है, जो चीज़ें होती है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कॉल करके बोलता है कि आपकी RT हम हटवा देंगे, आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भरी जा रही है ऑनलाइन, आप फॉर्म भर दीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन स्कूल भरेंगे, ना कि कोई बाहर का थर्ड पर्सन भरेगा। अब आपके मन में कोई सवाल बचा नहीं होगा, अगर फिर भी कोई सवाल बच रहा है अभी भी, तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। एक लाइक जो करेगा आपका, एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरीके से आपको और ज़्यादा हेल्प करने के लिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों जिनकी कंपार्टमेंट है, RT लगी हुई है, उनके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचना जरूरी है। तो ये वीडियो में मैंने सारा चीज़ कवर अप किया है, जो आपका यहाँ पे सर्कुलर, जो टोटल 7-8 पन्नों का सर्कुलर है, वो सारा चीज़ मैंने बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है। तो इसको जो है, इस वीडियो को जाके जरूर शेयर करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। जय हिंद।